स्टूडेंट यूनियन जिला फतेहाबाद की इस यूनिट जो ये कार्यक्रम करवा रही है उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जिनकी प्रेरणा से मेरे ख्याल में हरियाणा में बहुत से लोगों ने पत्रकारिता सीखी होगी, दो शख्सियत इस मंच पर बैठे हैं। एक इस यूनियन में अपना पूरा समय देने वाले चेयरमैन पे हैं, चेयरमैन के दायित्व पे हैं और एक अध्यक्ष के दायित्व पे हैं। मेरे ख्याल में मेरी पीढ़ी के जितने पत्रकार होंगे उन सब लोगों ने बलवंत तक्षक जी से और राम सिंह बराड़ जी के लेख पढ़कर, समाचार पढ़कर या कभी कभार उनके पास बैठकर पत्रकारिता सीखी होगी। ऐसे दोनों शख्सियत को आज तालियों से स्वागत कीजिए। ऐसी जगह पे आकर, चंडीगढ़ से आकर यहां इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करना, तीन तीन जिले के पत्रकारों को यहां इकट्ठा करना और फिर अपने अनुभव शेयर करना, ये वास्तव में सराहनीय कार्य है। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि उनका प्रयास इस स्तर पर सफल हो रहा है। मंच पर उपस्थित आप और हम सबकी सरकार के माननीय मंत्री श्री चंद्र बद्री जी, विधायक नापा जी, जोड़ाराम जी, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो जिला के अध्यक्ष हैं आपके सचदेवा जी, सुरेंद्र भाटिया जी, गोविंदर उप्पल जी, हमारे डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर गुजारा जी, मातृशक्ति मंच पर है, मैं सबका स्वागत करता हूं, सब पत्रकारों का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, केवल जिन कुछ सवाल किए हैं साथियों ने उनका मैं केवल जवाब देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सचदेवा जी ने कहा, देवेंद्र जी ने, उप्पल जी ने कहा और लगभग भाटिया जी का भी भाव यही था कि एग्रीगेशन पॉलिसी जो है हमारी को सरलीकरण होना चाहिए। तो मैं आपको अपनी, आप सब लोगों की उपस्थिति में जो जानकारी दे रहा हूं, हमारे यहां जो एग्रीगेशन है वो लगभग 1250 और 1300 के बीच में है प्रदेश भर में। आपके फतेहाबाद में 2014 से पहले, यानी कि आपकी सरकार आने से पहले करीब 28 या 30 एग्रीगेशन थी, आज 68 एग्रीगेशन आपके जिला फतेहाबाद में। आपके साथ लगता प्रदेश है पंजाब, आप सुन के हैरान होंगे, वहां 300 का भी कम, 300 से भी कम का आंकड़ा है एग्रीगेशन का, आपके यहां 1250 के करीब एग्रीगेशन है। दूसरी बात, सरकार से अपना अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कहना भी चाहिए, कोई हमारे यहां हम ठीक कर सकते हैं उसको ठीक भी करेंगे। जहां तक सरलीकरण की बात है उसमें अभी की जो नीति है एग्रीगेशन की उसमें काफी कुछ हमने उसको ठीक किया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ठीक कर सकते हैं तो आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं, हम इसको मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और प्रयास रहेगा कि उसको ठीक ठाक करवाने में हम आगे बढ़े। दूसरा, आपने कहा कि डिजिटल पॉलिसी जो अभी आई है उसका, जिस किसी व्यक्ति को भी डिजिटल पॉलिसी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं यहां आज पूरा दिन हूं फतेहाबाद में, रात्रि विश्राम भी यही है मेरा। अगर आप किसी साथी को डिजिटल पॉलिसी के बारे में कोई बात करनी है तो मैं उपलब्ध रहूंगा, आप बात कर सकते हैं मेरे से। उसमें कुछ हम लोगों ने आपसे क्राइटेरिया में चीजें मांगी हैं, वो आप डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर सकते हो, आपको वो पैनलमेंट में आपका नाम हो जाएगा, उसके बाद आपको रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। और करीब 12 या 13 लोगों को हम लोग पैनलमेंट में ला चुके हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। एक विषय और आया था कि आयुष्मान पॉलिसी, भाटिया जी ने कहा था कि उसकी घोषणा विधानसभा में भी कर दी मुख्यमंत्री जी ने और पंचकूला कार्यक्रम किया था उसमें भी कर दी है। अभी रिसेंटली ये घोषणा रोहतक में कार्यक्रम हुआ था वहां की गई, तो आपकी कैसे पॉलिसी है? हाँ, वो मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं कि उस पर काम चल रहा है। अभी शुक्रवार को हमारी बैठक हुई थी और उस बैठक में तय हुआ है कि जितने लोग एग्रीगेशन के इस समय पात्र है, जिनको एग्रीगेशन सरकार की तरफ से मिली हुई है, उनको ऐसा कोई मैकेनिज्म सिस्टम बनाया जाए, ऐसा कोई सरलीकरण किया जाए कि इसी चिप में जो आपको कार्ड हम एग्रीगेशन वाला देते हैं इसी में ही कोई वैसी सिस्टम कर दिया जाए कि सब की सब लोगों को उस एग्रीगेशन का, कैशलेस पॉलिसी का लाभ मिले। ऐसा हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं और इस पर काम चल रहा है। आप कह रहे थे कि पत्रकारिता में वास्तव में गिरावट है, इसमें कोई दोराई नहीं है। रविंद्र उप्पल जी ने कहा कि हमको अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ानी चाहिए,
तो जिम्मेवारी किसकी है? ये हमारी जिम्मेवारी है, हमको बढ़ानी चाहिए। रेवेन्यू कम हो गया है, टैक्स बंद हो रही है, तो रस्ते तलाशने होंगे हमको। रस्ते कहां से मिलेंगे? हम लाए आपके लिए सबसे इको फ्रेंडली डिजिटल पॉलिसी सरकार लेकर आएंगे। आप उस पॉलिसी को पढ़िए, मैं पॉलिसी की हार्ड कॉपी आपको दे देता हूं। उसमें पांच तरह के बाटे की स्लैब है, 50,000 से शुरू होते हैं और जितने भी आगे आगे जैसे आपके फ्लोवर्स होंगे उसके अनुसार सरकार आपको रिकॉग्नाइज करती है, आपको अकोमोडेट करती है। क्योंकि अखबार में अगर आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो आप डिजिटल पॉलिसी में अपना प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज करवा के सरकार के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर आप सरकार से लाभ ले सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यदि एक रास्ता बंद हो रहा है तो सरकार आपको वहां मजबूत करने का काम कर सकती है। बस शर्त है कि आपको उस पर कंटेंट के साथ जाना पड़ेगा, आपको अपनी पत्रकारों को क्रेडिबिलिटी जीवित रखनी पड़ेगी। एक विषय और था बड़ा महत्वपूर्ण कि प्रदेश में पत्रकारों की सोशल मीडिया के पत्रकारों के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया हो कि जी आज कोई भी व्यक्ति पत्रकार बन के खड़ा रहता है। उस पर जितनी की मेरी जानकारी है आरएनआई इसके ऊपर एक बहुत जल्दी पॉलिसी लाने जा रही है। उन्होंने रिमार्क्स मांगे हुए हैं इससे अपने सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, तो उनका काम चल रहा है। उस काम के बाद एक पॉलिसी शायद ऐसी आपको देखने को मिलेगी, उसमें जो आपके सारे सवालों के जवाब है वो शायद मेरे ख्याल में पूरे हो जाएंगे कि पत्रकार की एजुकेशन भी हो, कुछ क्राइटेरिया ऐसा हो, कुछ सीख क्या हुआ हो, उसी को ही आरएनआई का नंबर मिले, अन्यथा वो पत्रकारिता करने के काबिल ना हो, ऐसा हो सकता है। अभी जो हम डिजिटल पॉलिसी लाए हैं, अब भी बहुत से लोगों को ये रहता था, देवेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपके यहां पत्रकार 100-150 की भीड़ आ जाएगी, तो उनमें पत्रकार कितने इनके लिए डिफाइन करना मुश्किल है, कितने पत्रकार आ कहां से गए हैं, जबकि मेरे यहां फतेहबाद में या टोहाना में या आसपास में इतने पत्रकार तो होंगे नहीं, क्योंकि आजकल वो कैमरे से करते हैं या कोई भी ऑप्शन साधन होगा उससे करते हैं सोशल मीडिया के लोग। उनके लिए डिजिटल पॉलिसी है, उसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा कि किन लोगों को ठीक प्लेटफॉर्म पर रहना है। ऐसे बहुत से लोग भाटिया जी प्रिंट मीडिया से, अच्छे अच्छे संस्थानों से अपने आप को वहां से शिफ्ट करके सोशल मीडिया पर चले गए। कारण उनको लगता है कि YouTube जो है वो उसका जो चलाने वाले लोग हैं उसको ठीक ठाक पैसा दे रहे हैं डॉलर में। आप देखिए हरियाणा के लोग आपके, जिनका मैं नाम बताता हूं आपको, 10 लोगों के नाम जिनकी कमाई YouTube के ऊपर 10 लाख से शुरू होकर 15-20 लाख तक है, केवल आपके सब साथी हैं वो। अगर आप ईमानदारी से कंटेंट में पत्रकारिता करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए करें, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आपका ना तो रेवेन्यू कम होगा, ना आपकी विश्वसनीयता कम होगी, ना आपकी पत्रकारिता कम होगी, और ना ही हरियाणा भाषा में कहूं आपकी दाग कम होगी, कुछ कम नहीं होगा आपका। लेकिन हमको अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनाकर रखनी पड़ेगी। इतनी सब बातों के साथ जो जो सरकार ने काम किया, मैं आप सब लोगों को पता होगा 10,000 पेंशन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की थी, उस मीटिंग में भाटिया जी भी थे, प्राण साहब भी थे। तब शायद ये लगता था कि जब सुझाव मांगे गए थे तो तब लगता था कि शायद मुख्यमंत्री ने जब कहा कि ये तो बहुत कम बता रहे हो, तब हमने रिक्वेस्ट की थी, प्राण साहब बैठे हैं शायद यहां पे, तो उन्होंने तब शायद 5,500-6,000 तक की कोई उम्मीद की थी, तब मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में उसको 10,000 दिया। अब भी जब मंत्रिमंडल में ये विषय चर्चित हुआ तो देवेंद्र जी बैठे हैं बताएंगे वो, तब भी उन्होंने कुछ से वो नहीं किया, 15,000 व्यक्ति ने पेंशन कर दी, आप किसी प्रदेश में और में हो, कहने को उन्होंने संघ बहुत कुछ कह रहा है जब पेंशन इतनी कर रहे हैं जितनी हो गई है, लेकिन आप पता करना राजस्थान से कि कब किसी पत्रकार को पेंशन मिली है क्या? हमारे यहां 250 लोगों को पेंशन जा रही है, तो उनकी पेंशन जो सरकार का नियम है 1,07 तारीख को उनके अकाउंट में जा रही है। इसके अलावा आपकी जो संवाद के माध्यम से जो मृत पत्रकारों को जो एप्लीकेशन नहीं आपके दायरे में, उनकी संवाद के माध्यम से समय समय पर हम मदद करते रहते हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो ऐसा समय आ गया कि पत्रकार को दिक्कत परेशानी हो गई और उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो सरकार उसके साथ खड़ी हुई। तो जो जो चीजें हमने की हैं उसके लिए पत्रकार हम लोग सरकार को साधुवाद भी दें, और जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जो काम कर सकते हैं उसके लिए आप उनको कह सकते हैं, उस काम करने का प्रयास रहेगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन कि सरकार आपके साथ है, मंत्री जी यहां बैठे हैं,
विधायक जी हमारे यहां बैठे हैं, सारी सरकार आपके यहां बैठी है। पहले इस तरह का कार्यक्रम अच्छा आपने इसलिए नियोजित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार फिर से मैं एक बार फराज साहब को और प्रबंध तक्षक जी को, जिनको देखकर हमने पत्रकारिता सीखी है, इस मंच पर खड़े होकर आज बोल पा रहे हैं, तो ये न्यूनी के कारण बोल पा रहे हैं, तो मैं फिर से उनको आभार और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।